फिर एक बार इस जेनरिक दवा पर चर्चा करूंगा। देख लेते हैं, अबॉट कंपनी की है जेनरिक दवा है दोस्तों। हमें जो असली लड़ाई लड़ना है जेनरिक दवा के ऊपर ही लड़ना है। देखिए, जातिवाद और धर्मवाद पे तो सभी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारी असली लड़ाई सिस्टम के खिलाफ होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो दवाइयाँ हैं। एक जो है कि एमोक्सिक्लिन 625 अबॉट कंपनी की, जो कि जेनरिक दवा है दोस्तों। इसमें एमोक्सिक्लिन पोटेशियम क्लोरिनिक एसिड जो 625 mg में है दोस्तों यार। और एक ये जो कि जेनरिक दवा है दोस्तों, देख सकते हैं इस पर QR कोड और सब कुछ लगा हुआ है दोस्तों। MRP इसकी 200 रुपये में 10 टैबलेट है। और यहाँ पे दूसरी तरफ देख सकते हैं एक मेट्रोजिल आपको दिखाई दे रहा होगा, वो जो कि ब्रांडेड है। उस पर बाद में बात करेंगे, पहले हम मेन बात हम लोगों का फोकस जो है एमोक्सिक्लिन 625 पे ही है। जेनरिक दवा है दोस्तों। देखिए, अगर आप जेनरिक दवा खरीदते हैं जब भी किसी मेडिकल स्टोर से कोई, या फिर किसी जो है डॉक्टर से, देखिए कोई डॉक्टर चाहे आपके जाति का हो या फिर आपके धर्म का हो, वह आपको जो है कहीं से जो है कुछ भी आपको डिस्काउंट नहीं देता है। लेकिन हाँ दोस्तों, हमारी लड़ाई अगर सिस्टम से होगी तब जाके इसका फ़ायदा सभी लोगों को होगा। जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि उनके रिस्पॉन्स में कोई कमी मिलती है। दिक्कत क्या होती है दोस्तों, बस दिक्कत मेन ये है कि जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं वह आपको जहाँ पे जो है कि 70 से 80% डिस्काउंट मिलना चाहिए। सपोज करिए जिसकी MRP जो है 100 रुपये है या 200 रुपये है, तो आप सपोज करिए अगर आपको 70-80% डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन नहीं, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप जो उस दवा को MRP पर ही खरीद कर आएंगे दोस्तों। मैं दोस्तों इस दवा को गारंटी के साथ कहता हूँ। मैं क्या कहता हूँ दोस्तों, यह कंपनी ने कहा है कि यह दवा जेनरिक है, इसलिए मैं भी कहता हूँ कि हाँ यह दवा जेनरिक है। लेकिन कईयों को मालूम नहीं है कि यह जेनरिक दवा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसके रैपर या इसके जो है इस पर कहीं सिंबल नहीं है जेनरिक का, या कहीं लिखा नहीं है। देख सकते हैं QR कोड भी है। QR कोड के बारे में बता चुका हूँ, इससे आप जो है नहीं पकड़ पाएंगे कि यह जेनरिक दवा है। इस पर जो इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कंपनी का नाम जो है कब बना है, कहाँ की कंपनी है, कैसे बना, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, डेटा एक्सपायरी डेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग सब इस पर दिया रहेगा, इस पर निकल जाएगा, आप गूगल से सर्च करेंगे दोस्तों। लेकिन जेनरिक दवा तो यह आपको जो जानकारी मिलेगी वह केवल मैं ही बताता हूँ, कोई नहीं बताता है आपको, क्योंकि लोग सिस्टम से डरते हैं दोस्तों। और मैं जो हूँ, मैंने यह बीड़ा उठाया है कि मैं लोगों को जेनरिक दवा के बारे में जानकारी देकर ही रहूँगा और एक अभियान चलवाऊंगा जिससे जेनरिक दवा सभी तक पहुंचना चाहिए। भारत सरकार भी चाहती है कि लोग जेनरिक दवा का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जेनरिक दवा की जानकारी हो। लेकिन दोस्तों, वो जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं वह साल्ट कंपोजिशन के नाम से होती हैं केवल, जो ऐसे इसमें एमोक्सिक्लिन क्लोरिनिक एसिड होता है जो आपको सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है। लेकिन यह जो है जो कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं दोस्तों, इस पर जो जेनरिक दवाइयां होती हैं कंपनी इसकी मार्केटिंग नहीं करती है, और इनका और भी डिवीजन होता है जिसमें कंपनी मार्केटिंग करती है, वो ब्रांडेड होती है। मेट्रोजिल जो है एक ब्रांडेड दवा का जानकारी, बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करें।